हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। ये ब्लॉग होने वाला है अयोध्या के लिए, क्योंकि अयोध्या जा रहा हूँ तो सबसे पहले जय श्री राम। और फिर से मैंने टिकट बुक कर ली है, ठीक है, रेड बस से किए, हमेशा मैं करता हूँ। इससे लास्ट टाइम भी मैं मनाली गया था तो यहीं से गया था, वो हॉलीडे वाली थी। और इस बार RS ट्रेवल करके समथिंग कुछ है, ठीक है, तो वही गेट नंबर 1 है, वही सेम प्लेस है, ये बस स्टैंड है, इधर जा रहा है मैं। तो अभी थोड़ी देर में बस आने वाली है, ठीक है, तो बस में जाएंगे, दिखाएंगे आपको कि बस कैसी है और कितना टाइम लगता है। आई थिंक अभी ये 9 बजे चलेगी और सुबह 9 बजे ही पहुँचाएगी, तो 12-13 घंटे लेगी। और आप अगर इसको बुक कर सकते हो तो ISPT कश्मीरी गेट से, आनंद विहार से भी कर सकते हो, और अक्षरधाम जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से भी कर सकते हो। कई सारी जगह, एक बार रेड ऐप पर जाके वहाँ से आप बुक कर सकते हो। तो मोस्टली लोगों को मैंने पूछा था तो किसी को पता ही नहीं कि अयोध्या के लिए बस भी जाती है, ठीक है। तो अगर आप लोग बुक करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। और अभी जल्दी से, अभी 10-5 मिनट में मेरी बस आने वाली है, तो आते ही तब आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूँ मयूर विहार। मेरे पीछे देख रहे हो मेट्रो जा रही है। एक्चुअली अगर आप ISPT गेट से लोगे बस लोगे तो वहाँ से तुम्हें उस इनकी शटल बस होती है, छोटी सी, छोटी नहीं बस ही होती है जो कि लोकल होती है, वो आप वहाँ से पिक करेगी और यहाँ पे आके मयूर विहार के पास जो क्राउन प्लाजा है इनका लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे आके तुम्हें मेन बस के पास छोड़ेगी, ठीक है। तो मेन बस कैसी है वो दिखाते हैं आपको। ये जो मेरे पीछे आई थिंक दिख रही होगी थोड़ी बहुत शायद, तो चलते अपनी मेन बस। और उससे पहले मैं आपको किराया बता देता हूँ। ये इसका किराया नॉर्मली अगर आप अयोध्या जाना चाह रहे हो तो 400-500 से सिटिंग वाला स्टार्ट होता है, लेकिन अगर स्लीपर में जाना है जैसे मैंने बुक किया है तो स्लीपर का है 1000 रुपये मैंने जो पे किया है, ठीक है। बाकी बसेज का अलग अलग होता है, और 500 से स्टार्ट होता है सिटिंग वाला, स्लीपर वाला शायद 1900-1800 से स्टार्ट होता है, तो मेरे को वो ठीक लगा। बाकी आपको मैं बस दिखाता हूँ जल्दी से, ठीक है। ये है हमारी बस, और बहुत अच्छा लिखा हुआ है स्वागतम, ऊपर AC स्लीपर है। अभी थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा हो रखी है, ठीक है, चलते जल्दी से अंदर लेके। वॉशरूम जाना तो वॉशरूम भी है, ये वॉशरूम है। ये मेरा बर्थ है, अभी ऊपर जाके दिखाता हूँ मैं सही से, ठीक है। अभी भीड़ ज़्यादा है तो जैसे ही ऊपर जाके दिखाऊंगा तो वहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। जैसे ही चलते हैं मैं आपको देख। हाय दोस्तों, सो मैं बैठ गया अपने केबिन में बस के अंदर, ठीक है। ये सिंगल वाला केबिन है, पीछे बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक पिलो भी दिया हुआ है, ये लाइट है, ठीक है, इसका कलर भी चेंज होता है, इसका कलर भी चेंज होता है, अच्छा है, मतलब रिलैक्स है। और ये पूरा रखने के लिए है, ठीक है, वहाँ पे कुछ रख सकते हो, पानी की बोतल दी है, ब्लैंकेट दिया हुआ है, ठीक है। और ये बैग मैंने अपने पास ही रखा है, क्योंकि नीचे रखो छोटा सा है तो मैंने अपने पास ही रखा है, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैमरा भी है, ठीक है। और अभी हम लोग चल रही हैं, तो बीच में अगर कहीं कुछ खाने पीने के लिए रुकते हैं तो मैं आपको दिखाऊँगा कहाँ रुकते हैं और क्या है कैसे है, ठीक है। बाकी एक बार मैं आपको, और कुछ लोग नीचे भी बैठे हुए हैं, पूरा स्लीपर नहीं है। और हाँ, ये चार्जिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो, तो चार्जिंग की कोई इशू नहीं है, ठीक है। लाइट भी बहुत अच्छा है, ब्लैंकेट दिया हुआ, सब कुछ है। बाकी कुछ लोग नीचे भी बैठे हुए हैं सिटिंग में, और कुछ लोग मतलब मोस्टली स्लीपर से हैं, थोड़े से लोग हैं जो सिटिंग में हैं। बाकी आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, एक कैमरा लगा हुआ है और ये पूरा सेटिंग है। और पीछे जो है जो दिया हुआ है वो है तुम्हारा बैटर।
पंचायत में लगाया हुआ है, पता नहीं वो भी बुक्ड होता है नहीं होता, बट मैंने सिंगल इसलिए, बाकी तो दो या तीन ही है जो सिंगल आप ले सकते हो, बाकी डबल है तो आपको किसी का शेयर करना पड़ेगा, या तो आप दो लोग हो तो बेस्ट है, अगर सिंगल हो तो पहले कंफर्म कर लें कि सिंगल वाला है, ऑनलाइन करोगे तो जल्दी बुक हो जाएगा, बिकॉज मोस्टली लोग ऑनलाइन कर लेते फिर मिलता नहीं है, ठीक है। तो चलो भाई चलते हैं, अभी फर्स्ट स्टॉप पे रुकेंगे, फिर मैं आपको आगे का बताता हूँ कब कितने बजे रुकेंगे। अभी टाइम हो रहा है 10 बजे, ठीक है, और कितने बजे रुकते हैं खाने के लिए जल्दी देखते हैं। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो रात को तो फिर इन्होंने कोई स्टॉप लिया नहीं था, 10 बजे बात चली थी, तो अभी सुबह के बजे 9 बजे हैं और मौसम आप देख रहे हो बहुत ठंडा है। तो अभी इन्होंने स्टॉप लिया है ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए 15 मिनट का, तो अभी हम लोग यहाँ रुके हुए हैं श्री साईं भोजनालय, यहाँ पे चाय वगैरह कुछ भी पीनी है तो पी सकते हो, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है 9:45 का टाइम था, लेकिन फॉग बहुत ज़्यादा है, तो इस चक्कर में थोड़ा लेट होगा, मे बी 1-1.5 घंटे। तो जैसे ही पहुँचते हैं आपको बताते हैं, बाकी आप यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हो जब रुकेगी तो, ठीक है, फ्रेश भी हो सकते हो। तो जल्दी से चलते हैं, यादव ट्रेवल, यहाँ पे आप आके देख सकते हो, यहाँ से आपको ई रिक्शा मिलेंगे, अभी पता करते हैं ई रिक्शा देखा जाएगा अयोध्या के लिए। हनुमान जी गेस्ट हाउस है उधर छोड़ दिया है, ठीक है। अभी चलते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं गेस्ट हाउस कैसा है। ये मेरे को टैक्स में पड़ा है 1100 रुपये का, ठीक है, 2 दिन का है तो 2200 रुपये का। तो अभी चलो दिखाते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे साइड पूरा सीन करना चाहते हो तो 400-500 रुपये में ई रिक्शा वाले को फिक्स करो, वो तुम्हें 7 से 8 मतलब जो मेन पॉइंट है वो सारे घुमा देगा, ठीक है। तो अभी जस्ट पहले आपको गेस्ट हाउस दिखाते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, ठीक है। तो भाई लोगों आईडी वगैरह दे दिए, ये है यहाँ का रिसेप्शन, ठीक है। बाकी भैया रूम के लिए लेके जा रहे हैं, रूम दिखाते हैं कैसा है यहाँ का गेस्ट हाउस, वर्थ इट है कि नहीं 1000 के लिए। ओके, अभी क्लीन किया। तो भाई टीवी चल रहा है सब? चल रहा है ना, ठीक है, थोड़ी देर फैन चला देते तो सूख जाना। ये क्या है, ये कहाँ से खुलेगा? ये खुलेगा नहीं, तो लेट बात कहाँ है? ओके ओके, थैंक यू भैया। ये रहा रूम, ठीक है, बेड वेड सब अच्छा है, टीवी वगैरह है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, और ये वॉशरूम पर इंडियन है भाई ये तो। चलो बात करते हैं, एसी भी है, ठंड में एसी की ज़रूरत है नहीं। तो भाई यहाँ मिली है मॉर्निंग किट, जो कि जब आप इंटर करोगे तो ये आपको देंगे, जिसमें आपका बॉडी जेल होगा, शैम्पू साबुन सब होगा, टूथपेस्ट होगा, ब्रश होगा, ठीक है, साबुन शैम्पू सब कुछ होगा। और मंदिर यहाँ से 900 मीटर दूर है, वॉक करके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी, बाकी खाने पीने का भी जुगाड़ है कि नहीं वो भी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी जल्दी से फ्रेश होके चलते हैं।